नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोबारा से ले जा रहा हूँ संजय वन से। यार मुझे इतना प्यार हो गया कि मैं संजय वन का तीसरा व्लॉग लेकर आ गया हूँ आपके सामने, संजय वन से फॉर कपल्स पार्ट 3 का। तो मैं आप जो आपको बताऊंगा यहाँ की कई चीज़ों के बारे में, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें क्योंकि आज कुछ नया ही होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ के आयुर्वेदिक वन से, जिसको बोलते हैं कि हर्बल वन। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों के पौधे लगाए गए, पेड़ लगाए गए हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और उसके बाद हम चलेंगे इस पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी पर मैं आपको कई बार ले जा चुका हूँ। और पहाड़ी पर इस बार कुछ ज़्यादा हरियाली है क्योंकि यार जो बरसात हुई थी, तो बरसात की वजह से बहुत सारे पौधे यहाँ पर उग चुके हैं, जिसकी वजह से ये जंगल और भी ज़्यादा घना दिखाई दे रहा है। देखिए आप चारों तरफ देखिए, आसमान ने यार एकदम नीला हुआ पड़ा है और नीचे एकदम ग्रीन ग्रीन चादर से बिखरी हुई है। और ये जो चीज़ें होती है ना, दिल को मोह लेने वाली होती है। और ऐसी शॉट लेने के लिए यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ कपल्स भी आते हैं, तो मैं आपको कपल्स को दिखाता हूँ। ये देखिए कपल्स कहाँ जा रहे हैं, ये देखिए कपल्स आई, ये देखिए इतने बड़े जंगल में इन झाड़ियों में ही जाते हैं, क्योंकि जंगल में जाने के बाद इंसान कहाँ विलुप्त हो जाता है कोई पता ही नहीं चलता। और कपल्स क्या करने जाते होंगे आप समझ ही सकते हैं। ये कपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वीडियो है, और आप कपल्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय आप बिता सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यार कॉलेज स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा समय होता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा जंगल है। और यहाँ पर ये देखिए जंगली जानवर की लीद पड़ी हुई है, यहाँ पर जंगली जानवर भी हैं, तो कोशिश करें कि उनको छेड़े ना। छेड़ने की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर वो हमला भी कर सकते हैं, और वैसे तो नहीं करते क्योंकि मैंने बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ पर घूमते हुए देखे, जिसमें नील गाय हैं, बंदर भी है और लोमड़ी भी देखी मैंने इसमें, तो ऐसे कई जीव हैं। तो नील गाय से शुरुआत करते हैं, मैं नील गाय दिखाता हूँ आपको। ये देखिए नील गाय है। आपको अगर फोटोग्राफी का शौक है, वीडियोग्राफी का शौक है और आपको जंगली जानवरों से प्यार है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो वन विभाग के जो लोग हैं यहाँ पर हमेशा यहाँ की रखवाली करते रहते हैं, और जिनको नेचर से रिलेटेड कुछ भी अच्छा लगता है तो वो यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए आते हैं। तो मैं कह देता हूँ कि अगर आप नॉर्मल फ़ोन से इन लोगों की फ़ोटो खींचते या वीडियो बनाते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पर कैमरा लेकर आते हैं तो उसके लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पे करना होता है। वो पे करने का क्या अमाउंट है वो डिपेंड करता है, तो आप वहाँ पर शुरुआत में गार्ड से बात कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ के बारे में पता चल जाएगा। तो ये देखिए ये नील गाय है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है नील गाय भी। और ये यार इन दिल्ली में, सोचिए दिल्ली में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं अगर आपको, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ये देखिए इसकी सींग भी टूटी हुई थी, कई बार ये झगड़ा कर लेते हैं आपस में तो सींग टूट जाती, तो इसी से आप समझ सकते हैं कितने आक्रामक है। तो हम चलते हैं भाई आगे की तरफ। ये देखिए एक पुल है, इस पुल पर चलते हैं, देखते हैं क्या ही चीज़ है यहाँ पर। ये देखिए गंदा नाला बह रहा है यार, लेकिन कि वो इसलिए भी बह रहा है क्योंकि इतना बड़ा जंगल है, तो इस एरिया से होकर बहुत सारी चीज़ें गुजरती हैं, जैसे गंदे नाले और भी चीज़ें। तो आज मैं एक और जगह आपको लेके जाऊंगा जिसका नाम है पीकॉक हिल। मैंने और वीडियोस में बाहर से दिखाई थी, पर वो अंदर से दिखाऊंगा। अभी तो हम काफ़ी दूर है, अंदर चलते हैं अभी। ये देखिए कपल्स भी जा रहे हैं, तो यार कपल्स आते हैं और भी बहुत सारे लोग आते हैं, और कपल्स की मैं और भी ज़्यादा वीडियो दिखाऊंगा इसके अंदर। पीकॉक हिल आ चुकी है, पीकॉक हिल पर हम आ चुके हैं। ये देखिए पीकॉक हिल है। तो गाइस इसको पीकॉक हिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पीकॉक बैठे रहते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा मनमोहक आवाज़ें आती रहती है हर टाइम, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। ये पूरा एरिया ग्रीन है, ये थोड़ा पहाड़ी एरिया भी है, मैं पहाड़ दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए पहाड़, ऐसा लगता है कि यार पहाड़ किसी ने ला के रख दिए अलग से यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार यहाँ पर आप कपल्स जो है, कपल्स के लिए तो देखिए बेस्ट जगह है, कहीं भी आप जाकर आराम से पहाड़ के पीछे बैठ सकते हैं। और यहाँ पर जो घास है ना यार, बिल्कुल जिसे बोलते चटाई होती है, चटाई बिछा दी हो या फिर मखमल के गद्दे लगा दिए, उस तरह की यहाँ पर घास है, और बहुत ही ज़्यादा आराम से आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं और बातें कर सकते हैं। पीकॉक हिल हमने विजिट कर लिया, और हम आगे चलते हैं थोड़ा सा देखने की आगे और क्या चीज़ें हैं। चलते चलते मैं बस इस जंगल को ही देख रहा हूँ, और यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर लड़कियाँ जा रही हैं, और यहाँ पर ये लोग आते हैं वॉकिंग के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छे नज़ारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और ये देखिए चारों तरफ जंगल है, सुनसान
कोई भी नहीं दिखाई देता चारों तरफ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ यार, कपल्स अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट जगह है। देखिए पूरे कपल्स की पूरी टोली आई हुई है, कपल्स आते हैं। मैं आपको थोड़ा पास से ले आके दिखाता हूँ। देखिए कपल्स हैं, यार यहाँ बहुत सारे कपल्स आते हैं और ये अपने रोमांटिक डेट को एंजॉय करते हैं यहाँ पर। यार रोमांटिक डेट को एंजॉय करने के लिए सबसे अच्छी जगह है यहाँ पर, रोमांस के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कपल्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा जंगल है कि कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं छुप जाते हैं जाकर, और जंगलों में झाड़ियों में जाके बैठे रहते हैं छुप छुप कर। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं। ये देखिए कितना खतरनाक स्पीड में भगी यार नील गाय। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि यहाँ पर कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता आसपास ऐसी चीज़ें, क्योंकि आसपास यार कोई कॉलोनी नहीं है, कोई फालतू लोग आते नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पर प्राइवेसी रहती है। यहाँ पर ये कॉलेज स्टूडेंट हैं जो कॉलेज से बंक करके आए हुए हैं और वैसे ही घूम रहे, क्योंकि छुट्टी तो मिलती नहीं यार कॉलेज से इतनी, क्योंकि ये इतनी दूर है। और ये घूमने के लिए भाई आपको समय चाहिए संजीवन घूमने के लिए, और ऐसी चीज़ें खूबसूरत चीज़ों का मजा लेने के लिए तो यार समय तो बिल्कुल निकालना ही पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे नीलगाय और भी ज्यादा है। ये देखिए नीलगाय, इसकी सींग टूटी हुई है। देखिए ये आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, इस वजह से इनकी सींग टूट जाती है। वाओ यार कितना सुंदर है। ये देखिए कि ये भी घूम रही है। मुझे तो बहुत मजा आता है यार नीलगाय। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पास इसका जो मेट्रो स्टेशन है वो मालवीय नगर है, और हौज खास बोल सकते हैं, कुतुब मीनार है जो कि आपको पास पड़ेगा, और ये आपको वहाँ से 30-40 रुपए ऑटो वाला लेगा, जो कि आपको संजीवन के गेट नंबर 5 पर आप उतरने के लिए कहना, क्योंकि गेट नंबर 5 सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जो अरावली हिल है वो वहाँ से गेट नंबर 5 से उतरते ही आप जब जाओगे अंदर तो सामने आपको एक अनंग ताल का बोर्ड मिलेगा, तो अनंग ताल भी देख सकते हो आप, और अरावली पर्वत जो है वहाँ पर भी जा सकते हो। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।